हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम सीखेंगे रिपोर्ट पर फॉर्मूला लगाना, रिपोर्ट पे कैसे फॉर्मूला लगाया जाए इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कर देता हूं और ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करने के बाद तो यहां से क्रिएट पर क्लिक करके और ओके प्रेस कर देंगे। अब हमको रिपोर्ट पर फॉर्मूला लगाना है, ये बात ध्यान रखनी है कि हमको फॉर्मूला कहां लगाना है, रिपोर्ट पे लगाना है। तो चलिए आइए रिपोर्ट पे फॉर्मूला लगाते हैं। यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहां से टेबल वन आ रहा है, टेबल वन ही रहने देता हूं। यहां पर हम टेबल में कुछ चीजें डाल सकते हैं, लाइक यहां पे डाल देता हूं रोल नंबर, ये डाल दिया रोल नंबर, और फिर यहां पर ऑर्डर नंबर रखता हूं, यहां पे नेम डाल देता हूं, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया मैंने। और नेम ऑफ स्टूडेंट करने के बाद यहां आएंगे, फिर यहां पर कर देंगे सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, लाइक कंप्यूटर कर देता हूं मैं, कंप्यूटर, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ इंग्लिश। तो ये दो सब्जेक्ट मैंने लिया है, ठीक है, तो आप दो से अधिक भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये कंप्यूटर और इंग्लिश कर दिया हमने, और यहाँ पर इस तरीके से हम नंबर रख लेंगे, यहाँ पर भी नंबर रखेंगे, बाकी सब तो टेक्स्ट ही रखेंगे, और टोटल हम करेंगे तो टोटल हम रिपोर्ट में जाके टोटल करेंगे। तो ये हमने कर दिया, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, क्रिएट पे चलना है और सीधा यहाँ रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, ये देख सकते हैं ये नई विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहां से हमें रोल नंबर चाहिए, नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए, कंप्यूटर का मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स ही हैं। तो ये सारी डिटेल्स लेकर के अगर प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो रोल नंबर को प्रायोरिटी मैंने दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर आकर के और इसे ब्लॉक ले सकते हैं या स्टेप्ड या आउटलाइन कर सकते हैं, जैसे भी चाहे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं रखता हूँ स्टेप्ड, और यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देता हूं। तो फिनिश पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो रिपोर्ट ओपन हो चुकी है, और यहाँ पर इस तरह से मार्क्स यहाँ पर हमें डालने होंगे, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है और यहाँ पे ये है, तो ये यहाँ पे अभी प्रिंट आ चुका है। तो इस तरह से इसे क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर इन सबको छोटा करना है, इतना बड़ा ये रहेगा नहीं क्योंकि इतने बड़े की हमें जरूरत भी नहीं है। इस पर क्लिक करके और इसे छोटा कर लीजिए, यहाँ से सेटिंग वगैरह करनी होगी तो यहाँ से इसे छोटा कर लेता हूँ, और ये जो कंप्यूटर है इसको उठा करके यहाँ लाता हूँ, और ये कंप्यूटर को भी यहां लाता हूं, ये ऊपर भी जो लिखा हुआ है ये दोनों, इसको लेकर के फिर इंग्लिश को लेके आएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया, अब यहां से इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये इंग्लिश आ जाएगा, और यहां से इसको लेके आएंगे तो ये आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको खींच करके बड़ा करना है, ठीक है, और यहां पर आकर के और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये रोल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर को नीचे कर लीजिए आप। और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने वाला काम मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, तो ये टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसे मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे ड्रैग करवा देता हूँ। तो ये ड्रैग करवा दिया हमने, और इसको कोई नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं। फिलहाल हमें क्या करना है, फिलहाल हमें जाना है यहाँ कंट्रोल सोर्स पर, और देख सकते हैं इसको नाम दिया गया है टेक्स्ट 11, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ टोटल, तो TOTAL टोटल कर दिया हमने। और यहाँ पर भी आकर के इसे भी नाम दे देंगे टोटल, या फिर अगर इसे हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसे हटा देते हैं, यहाँ पर हम टोटल करेंगे अब, ठीक है, तो यहीं पे टोटल आना चाहिए। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, और इस पे कलर भी दे सकते हैं आप, यहाँ पर अगर बैकग्राउंड में इसके कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से कोई कलर भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना है, ये टोटल कैलकुलेट होगा कैसे, तो टोटल के लिए यहाँ कंट्रोल सोर्स पे जाना है, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेना है आपको। लाइक यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना क्या है, सबसे पहले हमें लेना है कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर ले लीजिए, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, और कंप्यूटर को ऐड कर दीजिए इंग्लिश में, कंप्यूटर के मार्क्स को इंग्लिश में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ नीचे इंग्लिश भी दिया हुआ है, आप इसे भी डबल क्लिक करके यहाँ पे लेके आ जाइए और ओके प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल दिखाई पड़ेगा, मतलब इसका टोटल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ भी डाला नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे टोटल आ नहीं रहा है। तो अभी आपको टोटल ये दिखाई पड़ेगा, तो मैं अभी पहले टेबल में जाकर के एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। लाइक यहाँ पे कर देता हूँ राम, और यहाँ पे मार्क्स दे देता हूँ 45, 56, ठीक है, फिर यहाँ पे करता हूँ श्याम, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 55, 45, ठीक है। तो इस तरीके से करके अब इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। बाकी हमें चलना है रिपोर्ट पर,
तो ये हमारी रिपोर्ट है और यहां से अगर मैं अब क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको ये मार्क्स दिखाई पड़ेगा और इसका टोटल होता हुआ भी नजर आएगा। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि रिपोर्ट पे हम कैसे ये लगा सकते हैं। बाकी इसमें कुछ और भी सेटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इन सबको हटा सकते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है तो इसको ऊपर कर देता हूं मैं। और बाकी इसमें हमें क्या लगाना है, इस पे बैकग्राउंड पे कलर लगाना है तो यहां पे जाकर के और बैकग्राउंड पे कलर आप लगा सकते हैं। लाइक ये कलर लगा देता हूं मैं, कोई भी लाइट कलर लगा देता हूं, ये लाइट कलर सही रहेगा। और यहां पर भी लाइट कलर लगा देता हूं सेम, तो ये लाइट कलर लगा दिया हमने। बाकी टेक्स्ट को हमें ब्लैक कर देना है बोल्ड करके, और यहां से टेक्स्ट को ब्लैक कर देता हूं तो ये ब्लैक कलर में दिखेगा, तो ये हाईलाइट होगा, साफ साफ पता चलेगा। तो ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि रिपोर्ट पर फॉर्मूला किस तरह से लगाएं। ठीक है, और इसमें अगर और भी कुछ एंटर करते चले जाएंगे आप, लाइक यहां पे मैं लिख देता हूं सोनू, और यहां पे इनके मार्क्स 50 पे 77, तो यहां पे इसका भी टोटल हो जाएगा। देखिए सोनू मैंने ऐड किया है, अब इसको यहां से बंद कर देता हूं ये टेबल को सेव करके, और यहां से इसे रिफ्रेश पर क्लिक करता हूं तो यहां नीचे आएंगे तो आपको सोनू भी दिखाई पड़ेगा, ये देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट पर कैसे लगाया जाए फॉर्मूला, ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।